अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, टुडे अ प्रैक्टिकल रिलेटेड टू अगेन एसओपी वन, बिकॉज इन प्रीवियस वीडियो वी आर नॉट एबल टू मेक दैट एसओपी, सो लेट मी स्टार्ट इट। वी विल बी गोइंग अप विद द एसओपी वन, बोथ द प्रैक्टिकल एसओपी वन, एसओपी टू, एसओपी थ्री, ऑल दैट प्रैक्टिकल आई विल बी गोइंग विद। सो फर्स्ट एसओपी वन से आज हम काम करने वाले हैं। ये एक हमारा कंपनी डिटेल है जिसे हमें क्रिएट करना है, तो इस कंपनी डिटेल को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो अब आपको दिखाएंगे। पहले हम टैली ईआरपी पे जाएंगे, टैली ईआरपी, ओके। नाउ व्हाट वी विल बी हैविंग अ सी, मैं बार बार आपको ये टैली ईआरपी का जो, क्योंकि बार बार आप लोग भूल जाओगे स्टेप, इसलिए मैं बार बार, मेरा 2 से 3 वीडियो इस रिलेटेड कहा है, तब ये चौथा वीडियो होगा मे बी, बट स्टिल आई वॉन्ट परफेक्ट फॉर यू, सो आई अगेन डूइंग दिस वीडियो फॉर यू, सो लेट मी स्टार्ट इट। अब सेलेक्ट कंपनी के बदले क्या करना है आपको, क्रिएट कंपनी करना है, ठीक है। मैं थोड़ा से इलॉन्गेटेड कर लूँगी, ठीक है। अब क्रिएट कंपनी, उसके बाद आपका है कि आपका डिटेल क्या है, MS Bitwise ट्रेडिंग कंपनी, MS Bitwise ट्रेडिंग कंपनी, ये डाला है आपने, जैसे ही डालोगे उसका मेलिंग नेम आ जाएगा। एड्रेस हमारा वो होगा जो इसमें लिखा हुआ है, 102 MG रोड भावना नगर, ठीक है, 102 MG, सॉरी फॉर दैट आई हैव नॉट यूज द कैपिटल लेटर, MG कैप्स लॉक मैं ऑन रखी हुई हूँ, रोड भावना नगर नगर, और क्या बोला उसने, भावना नगर के बाद क्या लिखा है, लातूर, एंटर करोगे इसे लातूर कर लोगे, ठीक है। अब कंट्रीज मालूम है, स्टेट क्या है, महाराष्ट्र है, जैसा क्लिक ऑन देश महाराष्ट्र, पिन कोड क्या है, इसने क्या बोला भाई आपको, पिन कोड क्या बोला है, हाँ सी आर 413512, 413512, एंटर कर दिया। फ़ोन नंबर क्या है आपका, नहीं दिया हुआ है, नथिंग इज दे, मोबाइल नंबर भी नहीं, फैक्स नंबर, सीधा ईमेल पे आ जाते हैं हम। अब ईमेल पे क्या लिखा हुआ है भाई, ईमेल है हमारा info@bitwise.com, तो ईमेल आईडी क्या लिखोगे, info@bitwise.com, इसे मैं छोटा कर कैप्स लॉक बंद करके info@bitwise.com, ये हो गया। और दूसरा है बिटवाइज ट्रेडिंग, अब उसका ये क्या है, अकाउंटिंग, देखो अकाउंट्स विथ इन मेंटेन क्या करना है बुक को, अकाउंट विथ इन मेंटेन, info@bitwise.com, तो अकाउंट info@bitwise.com, तो bitwisetrading.com, आपको क्या बोला इसने, देखिए फिर से मैं भूल गई थी, फिर से देख रही हूँ, www.bitwisetrading.com, कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए, वो हो गया कैप्स लॉक, www.bitwise, तो मैंने कैप्स लॉक ऑन की थी ना, इसे बंद कर देते, कैप्स लॉक बन, bitwisetrading.com, ठीक है, ये हो गया आपका, ये सारा हो गया। बस ये यहाँ पे आपने क्या किया है, ये इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो हमने एक डिटेल, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, इसे डिलीट कर दो सारे चीज़ों को, क्योंकि ये फ़ोन नंबर है, ओके सॉरी, ये क्या है आपका, फ़ोन नंबर है, तो ये इंडिया ही रहेगा, ये आपका कोई दूसरा जगह नहीं जाएगा, ये महाराष्ट्र रहेगा, ये 4.532 रहेगा, यहाँ से जो डिलीट कर दिया ना, मेरे को फ़ोन नंबर चाहिए ना, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए था, तो क्या था, info@bitwise.com जो हमने डाला, और इसके बाद है www
www.bitwisetrading.com। एंटर हो गया। यहाँ बुक एंट्री हमारा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे है, हमारा ईयर क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर 2019 बताया हुआ है, तो हमें बुक एंट्री क्या चाहिए 2019। तो इसको हटा रहे हैं, ये भी हट सही है, हमें सिर्फ ईयर चेंज करना है 19। एंटर करोगे तो बुक कीपिंग का स्टार्ट हो गया। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद, इंडियन रुपीस एंटर करने के बाद, सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपको यस बटन आएगा एक्सेप्ट करने का। यस कर दिया आपने, कंपनी आपका क्रिएट हो गया। देखिए एक तरह से आपका कंपनी क्रिएट हो गया। अब हमारे पास जो स्टेप है जो रिलेटेड है, देखो ऑलरेडी मैंने आप यहाँ पे आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आई बी फॉरवर्डिंग यू दिस। और मेरा कंपनी क्रिएट है, मुझे सिंगल लेजर बनाना है, मल्टीपल लेजर्स बनाना। अब यहाँ पे आप गौर से देखना, मैंने ये लेजर्स किस बिना पे बनाया हुआ है। पहले हम ऊपर का डिटेल पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ना है। देखो यहाँ लिखा है मिस्टर रवना स्टार्टर बिजनेस, मतलब इसका कैश है, मतलब कैश रिलेटेड अकाउंट है, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट रिलेटेड है, कैश भी है, ये रिसिप्ट बन सकता है वाउचर, परचेस है तो ये परचेस वाउचर बन सकता है, सैलरी वाउचर बनेगी, तो वाउचर्स भी इसमें, तो ये आपके इसमें, ये मैं नीचे आपको फर्दर दिखाऊंगी। पहले हम लेजर्स करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा लेजर आएगा अगर आप गौर से देखेंगे तो, फॉलोइंग लेजर्स टू बी क्रिएटेड, कौन सा लेजर, मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्ट बिजनेस, मतलब ये रिसिप्ट वाउचर होगा सीएल, ये क्या बना, रिसिप्ट वाउचर। नेक्स्ट इज व्हाट, फिर परचेज गुड फ्रॉम द शर्दा, परचेज वाउचर बना। फिर नेक्स्ट है पेड सैलरी, तो सैलरी वाउचर बनेगा, दैट इज शर्दा अकाउंट वाउचर, तो सैलरी वाउचर्स बनेगा, ठीक है ना। ग्रुप्स देखो, वाउचर्स टैब देखो, पेमेंट वाउचर बनेगा। फिर नेक्स्ट है आपका जो, वो कौन सा वाउचर होने वाला है, फोर्थ वाला कैश डिपॉजिट इंटर द कॉन्ट्रा वाउचर्स बनेगा। सोल्ड गुड्स टू राकेश, तो ये क्या आपका बनेगा, सोल्ड है तो सेल्स वाला। लास्ट वाला, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या, परचेस अगेन, परचेस वाउचर बनेगा। रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिट, तो ये इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा। तो आपके सारे अकाउंट्स, यहाँ पे वन ऑफ द अकाउंट इज बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द अकाउंट विल बी देयर। तो फिर अब हम क्रिएट करेंगे, चलो अब क्या क्या क्रिएट करना है, वाउचर्स क्रिएट करना। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसे मल्टीपल एंट्रीज लेके कर सकते हैं। ओके, व्हाट आई विल बी गोइंग अप, अब आप यहाँ आए अकाउंट इन्फो में, ठीक है, अकाउंट इन्फो में आके अकाउंट इन्फो पे जाओगे आप, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लेजर्स, लेजर्स पे जाओगे तो क्रिएट मल्टीपल लेजर्स, सिंगल लेजर्स बहुत स्टेप्स लिख रहा हो, इसलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ मल्टीपल लेजर्स। तो कौन कौन से अकाउंट्स हमारे हैं भाई, देख लिया जाए, पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, ठीक है। तो अभी देखो, पहले आइटम, ऑल आइटम डाल देंगे लिस्ट में, फिर कैपिटल अकाउंट, तो ये अंडर किस वाउचर पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के वाउचर्स पे जाएगा, एंटर कर दो। फिर आपका नेक्स्ट वाउचर क्या है, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, एंटर किस पे जाएगा, ये परचेस अकाउंट के वाउचर्स पे जाएगा, गया, एंटर करते हैं इनका, अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं। नेक्स्ट इज श्रद्धा स्टील अकाउंट, दैट इज सेंट्रिकेटर होगा, श्रद्धा क्या नाम लिखा हुआ है, श्रद्धा SHARH स्टील अकाउंट, एंटर करूँ, ये कौन सा आदत है, क्रेडिटेड ही होगा, सेंट्रिक क्रेडिटर बनाना है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या है, क्रेडिटर मिलेगा, हो गया, एंटर। फोर्थ आपके कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, सैलरी अकाउंट, SALARY सैलरी अकाउंट, एंटर। अब सिर्फ सैलरी अकाउंट अगर है तो ये कौन सा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए, क्या है आप देखो यहाँ पे, मैं इसे क्लिक कर रही हूँ, सैलरी अकाउंट में हम
आपका ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, फिर एंटर करेंगे सैलरी अकाउंट के बाद दूसरा वो जो हमने क्या क्रिएट करना है, बैंक ऑफ इंडिया दैट इज बैंक अकाउंट, और फिर सेल्स अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया करेंगे, बैंक अकाउंट बना लिया, एंटर हो गया, सिक्स्थ वाउचर बना, हमारा आठ वाउचर है, सिक्स्थ वाउचर बनाने वाले हैं, सेल्स अकाउंट मशीनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंटर किया, तो सेल्स अकाउंट्स में ही जाने वाला ये, तो आप यहाँ से सिर्फ 12 ले आपके को लेजर्स हैं जो भी वो देखेंगे, ये हमारा सेल्स अकाउंट हो गया, एंटर हो गया। तो मैं सैलियाँ लिख रही हूँ, उसको मैं बाद में सही करूँगी। फिर नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है भाई, इसे क्लिक करने में थोड़ा मुझे ये लगता है, तो टाइम से सेल्स अकाउंट के बाद आया है मशीनरी अकाउंट्स और मशीनरी में जाएगा, एक्सेस सेट में अपना पिक्चर किधर दिख रहा है ये देखिए हो गया। अब एक और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन, मतलब इंटरेस्ट भी दे, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो इनडायरेक्ट क्या आएगा, इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम है ये हो गया आपका वाउचर क्रिएट। अब एंटर मारते जाओ, यहाँ पे आपको आ दिखाना है यस, जस्ट क्लिक यस, डन, आपका वाउचर्स क्रिएट हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वाउचर्स एंट्री, बिफोर गोइंग फॉर द वाउचर एंट्री मेरे को ये देखना है कि मेरे वाउचर एंट्री में कौन पे, तो मैं क्या करूँगी अभी फिलहाल तो ये क्विट कर रही हूँ, ये भी क्विट करूँगी। अब मुझे अकाउंट इन्वेंटरी तो यहाँ पे है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाओगे आप, ओके। अब देखो ये चीज़ ये नहीं मिलती मेरे को, मल्टीपल है, तो मैं क्या कर दूँगी, पहले कॉन्फिगर में देखूँगी, स्किप डेट एंट्री हमने करना है, वो क्या करना है, ये वाउचर एंट्रीज है, इसमें कैसे करेंगे आप, अब देखो हम सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमें समझना भी ज़रूरी है। पहला क्या करेंगे हम, पहले है कि रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसे यहाँ पे क्लिक किया मेरे, पहले मैं रिसीव वाउचर पे जाऊंगी, रिसीव वाउचर पे जा रही हूँ, उससे पहले मुझे देखना है कि रिसीव वाउचर में क्या मांग रहा है, ठीक है ना। रिसीव वाउचर के अंदर है कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट हो गया, एंटर हो गया, 5000000 जितना नंबर डिजिट डालना डालें, बाय किसको दे रहे हैं, कैश, ठीक है आपका, इसे करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है यहाँ पे एंटर मार, अब देखिए एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट रिसिप्ट नंबर 2 नहीं बनाना मुझे, उसे क्या करूँ, अब फिर से अकाउंटिंग वाउचर्स में फिर से जा लूँ, अब मेरे को रिसिप्ट नंबर 2 नहीं बनाना है, मुझे अब बनाना है परचेस अकाउंट, तो पहले मैं जाऊँगी परचेज पे। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस मैं क्या करूँ, इसको भी देखो, इसकी भी अकाउंटिंग फीचर्स देखना है, तो वी विल बी गोइंग दैट, ओके। कॉन्फिगर पे जाऊँ, नहीं
नाउ सी हियर, यहाँ बच्चे आपने देखे हैं अकाउंटिंग वाउचर कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हैज वाउचर दूंगी। तो ये आप सप्लाई नंबर वन डाल दिया आपने, यहाँ पर किया वन, एंटर कर दिया। डेट अगर आप डाल रहे हो डालो, उसके बाद पर्टिकुलर्स। अब हमारा ये क्या चीज़ है भाई, इसे देखने के लिए हमें पता करना होगा कि हमारा वाउचर के अंदर क्या बताना चाह रहा है भाई। अब है परचेज वाउचर बना रहे थे, तो डू आर परचेज अकाउंट टू क्रेडिटेड टू श्रद्धा स्टील। मैं कहाँ जा रही भैया, ये श्रद्धा स्टील को जा रही हूँ। श्रद्धा स्टील अकाउंट गया महाराष्ट्र, एड्रेस लिखने की जरूरत, क्योंकि एड्रेस दिया नहीं है, सेल्स टैक्स नंबर नहीं पता। क्रेडिट कितना है भाई आपके अंदर, 20,000 25,000। तो ये मैं क्या करने वाली हूँ, श्रद्धा से तो ये 20,000 है, मैं क्या करने वाली हूँ इसे नीचे रखो और इसे लिखो 20,000। ठीक है, अब मेथड ऑफ एडवांस ऑन अकाउंट, ओके, रेफरेंस नंबर न्यू एडजस्टमेंट एडवांस क्या चाहिए आपको ऑन अकाउंट, और इसके बाद हो गया, एंटर मार दिए, ओके ओके बाय। किससे हुआ था, परचेस अकाउंट, बस इसे क्रिएट कर दिए, हो गया आपका। नेम ऑफ द आइटम एंटर नहीं करना मुझे कुछ, हो गया ये आपका क्रेडिट हो गया। इसी तरह से अब आपका नेक्स्ट वाउचर क्या है, आपका नेक्स्ट वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, 50,000 डालना है। कॉन्ट्रा वाउचर पे गया, कॉन्ट्रा वाउचर कहाँ से कहाँ जा रहा भाई आपके अकाउंट के अंदर, कॉन्ट्रा वाउचर कहाँ से जा रहा, बैंक कैश अकाउंट से। ये कैश अकाउंट लोगे, 50,000 डालोगे, 100,000 एंटर किए, परचेस अकाउंट चला गया वो अपने आप, ठीक है ओके। ये देखो अभी आप जरा गौर से देखना, परचेस अकाउंट पे ही जाना चाहिए था, कॉन्ट्रा वाउचर कैश अकाउंट पे जाना चाहिए था। एंटर कर रही हूँ कैश अकाउंट, ठीक है, परचेस अकाउंट पर नहीं जाना मुझे, हो गया। ये हमारा वाउचर बन गया कॉन्ट्रा वाउचर। नेक्स्ट वाउचर अपना व्हाट है, सी हियर, इट्स टाइम फॉर मी टू वर्क ऑन दिस। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा के बाद आया सेल्स वाउचर, वो 25,500 है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करो, सेल्स वाउचर खोलो। अब यहाँ पर भी वही है, तो हैज वाउचर बना दो। अब रेफरेंस नंबर 1 2 एंटर किया, हाँ अब ये देखो ये कितना बोल रहा है कैश वाउचर्स के अंदर, सेल्स नंबर 1 2 2। तो यहाँ पे सॉरी, सेल्स वाउचर के अंदर ये क्या कर रहा है, सेल्स वाउचर कैश अकाउंट से जा रहा 25,500, कैश अकाउंट से गया, ओके, डिटेलिंग गई महाराष्ट्र, ओके 25,500, ओके एंटर किए। किधर जा रहा भाई, कैश अकाउंट से कहाँ जा रहा आपके साथ, सेल्स अकाउंट में, राइट, सेल्स अकाउंट एंटर कर दिए, आपका हो गया काम। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वाउचर हमारा फिर से कौन सा बनने वाला है भाई, मैं शो यू अगेन, एक मिनट मैं इसे मिनिमाइज कर दूँ। तो ये क्या करने वाला है, नेक्स्ट वाउचर सेल्स हो गया, फिर परचेस मशीनरी टू कैश अकाउंट। तो अब हमारा नेक्स्ट वाउचर क्या बनेगा, इसे नेक्स्ट वाउचर फिर से परचेस में जाओगे आप, परचेस में अब, हाँ परचेस में जा रहे हो आप। एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो वैसे वैसे उसे एक्सेप्ट करते जाओ, एक्सेप्ट करोगे ना कि अपने आप अपना लिस्टिंग करता है, ठीक है। तो ये मैंने नहीं किया था, इसलिए हम बनाते थे चले जा रहे हैं वाउचर्स, पर वाउचर को सेव भी करना पड़ता है ना। तो बैक स्पेस पहले क्या करती हूँ, नंबर वन डालती हूँ, करंट बैलेंस 50,000 है, एंटर करो, ये किए अदर रेफरेंस, ओके परचेस अकाउंट। अभी आप यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है आपका, ये हमें नहीं चाहिए, तो ये हैज वाउचर कर दो, ठीक है ना। अब ये देखो एंटर 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 एंटर, ठीक है, फिर आपका वाउचर परचेस, मुझे सारी वाउचर्स को पहले सेव करना है, ये याद रखना। तो कैश अभी मेरा पहला वाउचर जो मैंने बनाया था परचेस का, वो मैंने सेव नहीं किया, इस वजह से मेरे एक्सेप्ट नहीं किया ना। पहला पैसे था परचेस अकाउंट से कितना, 20,000, और हाँ तो अब परचेस, अब क्या कर रही हूँ मैं, परचेस अकाउंट
अब मैं परचेस अकाउंट एक और बार लेने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दो बार परचेस अकाउंट है, तो मैं इसे क्या मिनिमाइज कर देती हूँ। परचेस अकाउंट इस क्या मशीनरी अकाउंट टू कैश ओवर 10,000। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसे ऊपर लेती हूँ, सॉरी फॉर दैट, मशीनरी सप्लाई 1, 2, 3 एंटर कर दिए आपने, डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। टू, अब क्या है आपका इसके अंदर क्या दिखाने वाला है, एटम एटम बच्चा, हाँ, अब इसके अंदर आपको क्या दिखाने वाला है, परचेस अकाउंट में मशीनरी अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, मशीनरी अकाउंट्स टू ये है इनवॉइस, वो कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। मगर अभी फिलहाल हम परचेस से पहले जा रहे हैं, कौन से अकाउंट पे आप जा रहे हो, परचेस से आप पेमेंट अकाउंट पे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो, अभी देखो बाय न, सॉरी जर्नल एंट्रीज नहीं करना है मुझे, मुझे क्या करना है परचेस से पेमेंट अकाउंट पे गए हैं, ठीक है, पेमेंट अकाउंट पे गए। पेमेंट अकाउंट पे आप बाय किससे कर रहे हो भाई, सॉरी बाय पेमेंट अकाउंट सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डाले आपने, फिर उसके अंदर हाँ, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कंट्रावर्सी पे देखो पेमेंट अकाउंट पे सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट से कैश अकाउंट कितना रुपया डाल रहे हैं हम लोग, ये भी देख लें, 5,000, इसे मिनिमाइज कर दूँ, 5,000, ओके, सारे अकाउंट टू 5,000 हो गया, 5,000 एंटर किया। टू किसको डाल रहे हो, एंटर किस में डाल रहा है भाई, सैलरी अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से आपको कितने डाल रहा है, कैश अकाउंट पे, तो आपका ये कैश अकाउंट क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद एंटर करते जाओ, ये बिन लिखना ज़रूरी है पर मैं आप भी सिखा नहीं रही हूँ आपको, यस कर दो, हो गया। अब ये हो गया पेमेंट वाउचर्स बन गए आपके, नेक्स्ट वाउचर आपका क्या बनने वाला है, कॉन्ट्रा वाउचर्स 50,000 का। तो अब हम सीधा F4 पे जाएंगे, कॉन्ट्रा वाउचर्स लेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर हमको किस से किस तरह ट्रांजेक्शन करना है वो देखना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, छोटा कर देती हूँ आज थोड़ा सा, तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर्स में जाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, ये देखो बैंक ऑफ इंडिया लिखोगे, तो बैंक ऑफ इंडिया को कितना अमाउंट दे रहे हैं हम लोग, ये देखें एक सेकेंड, थोड़ा सा अमाउंट डोनेट कर आपके लिए, बैंक ऑफ इंडिया पे जा रहे हैं हम लोग, ये वाला अमाउंट, हाँ बैंक ऑफ इंडिया पे 50,000। तो मैं यहाँ पे एंटर क्या करने वाली हूँ, 50,000 एंटर किया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लिखना ज़रूरी है, ये होके बैंक ऑफ इंडिया से एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल वो नहीं, पर कहाँ पर जा रहा है भाई, कैश अकाउंट पे, ठीक है, एंटर करो। अब यहाँ पे देखो ये बाय, अब ये क्या है, कैश अकाउंट पे, ठीक है, ऐसे से किया आपने, एंटर किया, ये हाँ यस, यू विल बी गिविंग यस, हो गया है आपका कंटेंट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट व्हाट यू आर हैविंग, सेल्स अकाउंट, वी आर गोइंग विद द सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में मैं क्या कर रही हूँ, हैज वाउचर बना दे रही हूँ इनवॉइस को, अब रेफरेंस नंबर लिख लो, 1, 2 एंटर कर दिया। अब सेल्स अकाउंट का कैश से जा रहा है, ये कैश से गया, एंटर कर दिया आपने, डेबिट कितना होने वाला है कैश अकाउंट में, जस्ट आई एम गोइंग विद दैट, पच्चीस हज़ार पाँच सौ, ठीक है, एंटर किया आपने, इसमें जा रहा है, मैंने सेल्स को ऐसे लिख दिया था तो यही अकाउंट डालूंगी, एंटर कर दिए। अब इसको एंटर करते जाओ, बीन लिखना है मगर अभी मैं आपको डिफ़ॉल्ट नहीं दिखा रही हूँ, ओके, सेल्स अकाउंट हो गया आपका। नेक्स्ट इज अगेन परचेज अकाउंट है मशीनरी के लिए, मगर मैं पहले रिसिप्ट अकाउंट बना लेती हूँ, रिसिप्ट अकाउंट पे जाऊंगी, F6 करूंगी, वो वाला बनाऊंगी, कैश अकाउंट लूंगी आपके, कैश, हाँ किसको जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट अकाउंट लोगे आप, इंटरेस्ट अकाउंट पे 20,000 डालोगे,
फिर इंटरेस्ट अकाउंट पे हम लोग ये किए, फिर बाय डिफॉल्ट हमारा किससे किस में जाने वाला है, बैंक टू ना। तो आप अभी यहाँ पे देखो क्या दिखाना है आपको, यहाँ रिसिप्ट वाउचर में जब हम देख रहे हैं तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट पे जाएगा, हो गया एंटर, हो गया एंटर मारते जाओ आप, एंटर मारते दो यहाँ पे यस कर दिया। अब हम एक और चीज़ है कि बचा हमारा एक परचेस अकाउंट और वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस है, ठीक है, और ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर, तो मुझे अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट नहीं करना है। देखो अभी अगर मैं डाल देती हूँ सप्लाई इनवॉइस, इन अकाउंटिंग इनवॉइस डालोगे तो सिर्फ पर्टिकुलर्स आएंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल दो, 23123 कर दो, ठीक है, डेट आप एंटर मार दो, ओके ये पर्टिकुलर्स। अब आपका क्या चीज़ से कहाँ जाने वाला है परचेज अकाउंट पे, मशीनरीज है, ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम है कैश अकाउंट, देखो पार्टी अकाउंट नेम है कैश अकाउंट, ओके एंटर 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 एंटर। अब पर्टिकुलर्स किस में जा रहा है, मशीनरीज, मशीनरी अकाउंट खुला आपका, उसमें आपने क्या डालना है, मशीनरी अकाउंट्स के अंदर, सॉरी फॉर दैट, मशीनरी अकाउंट के अंदर आपको क्या डालना है, सॉरी आई हैव मोर फॉर द सेकेंड पार्ट, सो मशीनरी अकाउंट के अंदर आपको क्या डालना है, कैश अकाउंट से डेबिट हो रहा है ना, तो वो हमें करना है। तो ये थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ, और हाँ अब ये थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में। तो मशीनरी में कितने पैसे बोले थे, 10,000 के करीब, शेयर जितना अमाउंट बोला वही डालेंगे, 10,000, ठीक है ना। तो यह हम क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज कर देते हैं, और इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं, और आपका देखे 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 देखे, 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 देखे। यहाँ तो ये 10,000 लिखेंगे, 10000, एंटर करोगे। अब मशीनरी अकाउंट्स के बाद ये एंटर हो गया, ठीक है, और कुछ डिटेल नहीं डालना है, 10,000 एंटर, नरेशन की ज़रूरत नहीं, यस कर दिया। अब ये सारा आपका कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। ये सब होने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ से क्विट करो, ओके एवरीथिंग इज क्विटेड। अब हमें जो जो चीज़ पता करनी है वो देखेंगे, अभी हमें क्या पता करनी है देख लो, पहले हमें चेक करें, ट्रायल बैलेंस देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और डे बुक, ये तीनों चारों चीज़ देखनी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम पहले तो देखते हैं डिस्प्ले पे गए, पहले डे बुक देखते हैं। देखो ये आपका डे बुक का कंटेंट हो गया, सही से आपको मिल गया डे बुक का कंटेंट, कौन सा कहाँ जा रहा, कितना वाचर्स है, कैसे एंट्री हुआ, हो गया। नेक्स्ट है फिर आप यहाँ से क्विट हो जाओ, ठीक है, डे बुक हो गया, ट्रायल बैलेंस देखते हैं, ये आपका ट्रायल बैलेंस का रिसिप्ट बन गया डेबिट क्रेडिट का, ठीक है, क्विट हुए आप यहाँ से। अब यहाँ से ट्रायल बैलेंस के बाद आपको किस में जाना है, क्विट यहाँ से भी हो जाओ, ये रिपोर्ट जनरेशन है तो बैलेंस शीट देखेंगे, इसे क्लियर करें, ये आपका बैलेंस शीट भी बन गया, देखिए बराबर का बैलेंस शीट हो गया, क्विट यहाँ से आप कर लो फिर से, ओके। बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी प्रोसेस बता दिया है, तो एक चीज़ और दोबारा मैं स्टेप्स को क्लियर डायरेक्टिव में बता दूँ तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो व्हाट वी आर गोइंग, पहले तो आप जब भी वाउचर्स और ये क्रिएट करोगे तो ये सारे कंटेंट, पहले आपको स्टेप है कंपनी क्रिएट करना है, उसके बाद मैंने मल्टीपल लेजर्स लेके इसलिए किया कि मल्टीपल लेजर्स में आपको बार बार डेटा एंट्री नहीं करना, एक बार लेजर्स आइटम ऑल करोगे तो ये लेजर्स पुट कर सकते हो, दूसरी बार वाउचर एंट्री करना है, जब लेजर क्रिएट कर लोगे तो आप वाउचर एंट्री क्रिएट करोगे, उसके बाद आप उसके बाद ये डिस्प्ले ऑप्शंस यूज़ करके आराम से कर, आपकी शॉर्टकट कीज़ है ऑल्ट प्लस पी प्रिंट करने के लिए, ये सारे अगर देखना चाहते हो ऑल्ट प्लस पी कैसा दिखता है तो फिर हम ज़रा चेक कर ले। तो लेट मी गो विथ ऑल दिस थिंग, देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रिंटिंग ऑप्शन है, देखो जिस तरह से प्रिंटिंग ऑप्शन हो, प्रॉफिट यस करोगे तो ये प्रिंटिंग ऑप्शन दिखाएगा। अब देखो ये एक्सेस हो रहा है,
इसे हमने क्या नाम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट, एंटर करो, अब ये आपका सेफ हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से आप अपना सेव कर सकते हो। अब अगर आपको देखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो आप पीडीएफ फाइल ओपन करो, आप पीडीएफ में डाल सकते हो। मेरा पीडीएफ फाइल है, मेरे पास प्रिंटर है नहीं अवेलेबल, सो इट्स नॉट वर्किंग, सो आई जस्ट गॉन विद दैट। अब मेरा जहाँ पर भी वो मैंने सेव किया है उसे तो ओपन करूँगी, ओके। अगर वो डेस्कटॉप पे सेव हुआ होगा तो आप डेस्कटॉप पे देख सकोगे। तो इस तरह से आप अपने लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हो अभी टेक, तो आप बहुत इजीली ये सारे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो होप यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल नंबर वन। इन प्रीवियस 2 to 3 वीडियोस आई जस्ट गॉन विद हाउ टू मेक दैट थिंग्स, क्योंकि बार बार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों कि ये जो न्यू सॉफ्टवेयर है जीएसटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा सा आपको भी ये ना हो, इस वजह से मैंने इसे बड़ा 10 बार आपके लिए बहुत ईजिली, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, इस वजह से मैंने इसे खुद आपके लिए अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया, कि फटाफट बोलने से तो आसान है। मेरा लाइव सेशन हुआ जिसमें आपको मैंने लेजर्स कैसे बनाना है, वॉचेस कैसे एंट्रीज करने हैं, वो सब सिखाया। अब एक और चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ जो इसी में प्रैक्टिकल, एक हज़ार हेल्प फॉर यू। मैं सोचो मैं कंपनी इन्फो तो मैंने बना लिया, अब अगर मैं कुछ क्विक यहाँ से करती हूँ, नो, अब यहाँ पे देखो कंपनी इन्फो है। अब अगर कंपनी इन्फो पे जाओगे तो यहाँ पे मेंस कैसा है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शट करना, ये कंपनी को अब मेरे को दिखानी नहीं है, बस मुझे एक कंटेंट को यहाँ से बंद कर दिया, कंपनी का डिटेल खत्म। दिस इज़ हाउ द वे वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो होप यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स वाइल क्रिएटिंग द प्रैक्टिकल ऑफ SOP 1। और यहाँ से आप क्विट किए, येस हो गया ये स्टेप। आपको ये सारी चीज़ें आप अवेलेबल मिलेगी, आपको ये नोट डाउन बुक पे करनी होगी, ताकि आपको आने वाले टाइम पे ये आराम से समझ में आ जाए। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। जज़ाकअल्लाह स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फर्दर नोटिफिकेशन विल बी गिवन टू यू। जज़ाकअल्लाह।